टुडेज टॉपिक इज एरे। हमने सी सी प्लस प्लस पुरानी प्रोग्रामिंग्स में सभी में एरे के बारे में पढ़ा हुआ, तो एरे क्या है डिस्कस करते हैं और इसके एग्जांपल भी एग्जीक्यूट करके देखेंगे। एरे, एन एरे इज ए ग्रुप ऑफ लाइक टाइप्ड वेरिएबल्स दैट आर रेफर्ड टू ए कॉमन नेम। तो ये डेफिनेशन बता रहे हैं, तो ये डेफिनेशन पहले थी। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डाटा एलिमेंट। होमोजीनियस होते हैं जो सेम एलिमेंट होते हैं, सेम डाटा एलिमेंट को हम होमोजीनियस भी बोलते हैं। अब यहाँ पर एरे को बता रहा है कि एरे इज ए ग्रुप ऑफ लाइक टाइप वेरिएबल्स। आप लाइक टाइप वेरिएबल्स नहीं लिखना चाहते, आप इनकी जगह होमोजीनियस वेरिएबल्स भी लिख देते हो तो इट विल बी फाइन। दैट आर रेफर्ड बाय ए कॉमन नेम, मतलब एक नेम के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है वेरिएबल्स को, उसे बोल रहे हैं हम एरे। Array of any type can be created and may have one or more dimension. तो array किसी भी data type का create किया जा सकता है, character का किया जा सकता है, integer का किया जा सकता है, right? और ये एक से ज़्यादा dimension भी contain कर सकता है। Specific elements in an array is assessed by its index. तो कोई भी element अगर array का assess करना है तो उसके index की help से हम वो element assess कर सकते हैं। Array offers a convenient means of ग्रुपिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो एक कन्वीनियंट वे है ग्रुप्स बनाने का इंफॉर्मेशन के, राइट? तो वन डायमेंशन एरे कैसे होता है, जावा में कैसे बनता है? तो ए वन डायमेंशन एरे इज एसेंशियली ए लिस्ट ऑफ टाइप। वही चीज वो बता रहा है कि जो वन डायमेंशन एरे है वो भी एक लिस्ट है किसकी, वही जो डाटा टाइप्स हैं, वो सेम जो डाटा टाइप्स हैं उनकी। ये वर्ड मैं कहूँगा आप ये वर्ड ना यूज करो, लाइक टाइप वर्ड ना यूज करके आप वर्ड यूज करो होमोजेनियस और सेम। तो वो थोड़ा आपके लिए इजी भी रहेगा थोड़ा। फॉर एग्जांपल अगर होमोजेनियस करें तो वो टेक्निकली थोड़ा साउंड लगता है होमोजेनियस वेरिएबल, लाइक टाइप से बेटर ही होमोजेनियस लगेगा, या यू कैन गो विद सेम वेरिएबल्स, ठीक है? तो ए वन डायमेंशन एरे इज एसेंशियली अ लिस्ट ऑफ होमोजेनियस वेरिएबल्स। टू क्रिएट एन एरे यू फर्स्ट मस्ट क्रिएट एन एरे वेरिएबल ऑफ डिजायर्ड टाइप। तो एरे बनाने से पहले सबसे पहले हमें एरे का क्या बनाना है, वेरिएबल बनाना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम टाइप देंगे डाटा टाइप, कौन सी डाटा टाइप का एरे बनेगा, फिर उसके बाद वेरिएबल का नेम दे देंगे, राइट? और उसके बाद उसकी ब्रेसेस डाल के सेमीकॉलन लगा देंगे। अब ये एरे नहीं बना कि हमने सिर्फ उसका वेरिएबल बनाया। द जनरल फॉर्म ऑफ वन डायमेंशनल एरे डिक्लेरेशन इज दिस। तो ये वन डायमेंशनल एरे की जनरल फॉर्म है जिसको हम बनाकर जो हमारा एरे है उसको वेरिएबल को डिफाइन कर देंगे। फिर उसके बाद हियर टाइप डिक्लेयर्स द बेस टाइप ऑफ एन एरे। तो एरे की अब जो हमने वेरिएबल बनाया अब उसके अंदर अब हम जर्नली अब उसकी वैल्यूज को जो या उसके जो वैल्यूज जिसमें सेव होंगी उसको ऑब्जेक्ट को भी इनिशियलाइज करेंगे। तो बेस टाइप की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हम डिटरमाइन कर रहे हैं द डाटा टाइप ऑफ ईच एलिमेंट दैट कंप्राइज द एरे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ऊपर था वही चीज एक्सप्लेन हो रहा है। डाटा टाइप हो गई अब INT जिसे हम बोलते हैं इंटीजर, और उसके बाद यहाँ पर वेरिएबल नेम कर दिया मंथ डेज, मंथ अंडरस्कोर डेज, और उसके बाद एरे जो है उसकी ब्रेसेस से डिफाइन कर, ठीक है जी? अब नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्या, अब वैल्यूज जो हम ऐसे कैसे डिक्लेरेशन करेंगे। अभी हमने क्या किया, वेरिएबल को डिफाइन किया। अब आगे, ऑल्दो दिस डिक्लेरेशन एस्टैब्लिश द फैक्ट दैट मंथ अंडरस्कोर डे इज एन वेरिएबल नेम। तो हमने पता ही है ये जो हमने बनाया अभी क्या है, वो सिर्फ वेरिएबल नेम। No array actually exists. अभी तक array नहीं बना। In fact, the value of month underscore day is set to null. अभी तक इसके अंदर null है। Null means होता है empty. कुछ नहीं है इसके अंदर, खाली है. Right? Which represent an array with no value. To link month underscore days with an actual physical array of integer, you must allocate one using new and assign it to month underscore day. तो मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें एक्चुअल में उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर करनी है या कोई वेरिएबल्स जगह बनानी है अंदर, तो क्या करना पड़ेगा हमें न्यू कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर एरे नेम बनाया उस एरे नेम को लिखकर इक्वल टू डालकर न्यू वेरिएबल डालकर और डाटा टाइप का नाम दोबारा लिखकर ब्रैकेट में साइज देकर एरे को डिफाइन करेंगे। तो जनरली अगर मैं बोलूँ तो हमारे पास दो चीजें हैं, दो सिंटैक्स हैं जब हमें एरे बनाना है। तो पहला सिंटैक्स है हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे ऊपर जो था पहला सिंटेक्स है हमें सबसे पहले एरे का नेम बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे, हम मेंशन करेंगे डाटा टाइप, वेरिएबल नेम और उसके बाद उसके ब्रेसेस बना देंगे, ठीक है? ये पहला तरीका, पहला ये होगा। फिर उसके बाद सेकंड लाइन में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एरे वेरिएबल जो नेम था वो इक्वल टू न्यू टाइप और उसके अंदर डाल देंगे साइज,
तो एक्चुअली ये पूरा जो दोनों चीजें हैं, दोनों लाइंस हैं, इनके बाद ही हमारा प्रॉपरली ये कैरे जो है वो डिफाइन होगा, मतलब मेमोरी में उसकी जगह आएगी। उसके बाद उसको वैल्यूज वन बाय वन देंगे। अब जनरली बात करें तो ऊपर क्या बनाया था, मंथ डेज, तो मंथ डेज इक्वल टू न्यू, उसकी डाटा टाइप क्या थी, इंटीजर, तो इंटीजर करके यहाँ पर उसको 12 एलिमेंट्स दे दिए। अब ये एक एरे बन गया जिसके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 12 एलिमेंट्स। अब सी में एरे बहुत इजीली बन जाता था, बट यहाँ पर हमें वन स्टेप एरे नहीं बन रहा, हमें टू स्टेप फॉलो करने पड़ रहे हैं एरे को क्रिएट करने के लिए, राइट? तो अगर मैं जनरली यहाँ पर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर नीचे क्या किया जा रहा है, आप वही एरे जो ऊपर बना था उसकी वैल्यूज को प्रोवाइड किया जा रहा है स्पेसिफिकली उसका इंडेक्स देके। इंडेक्स क्या होता है, जब हम उसकी ब्रेसेस के अंदर नंबर डालते हैं, राइट? तो वो इंडेक्स गिना जाता है। अब एरे जनरली मैं अगर बात करूं तो एरे बनाते हैं तो क्या होता है, मेमोरी में कुछ इस तरीके से, जैसे ये स्पेसेस डिफाइन कर दी जाती हैं। जैसे अगर मैं एरे बना रहा हूँ 1 2, ये हमने सी में देखा हुआ है, 2 3 4 एंड सो ऑन टू स्पेसेस कंसीडर हो जाती है। इसका इंडेक्स शुरू होता है 0 से, मतलब पहला जो है वो क्या होता है, 0, फिर होता है 1, फिर होता है 2, सो ऑन टू आगे कॉन्टिन्यू रहता है, राइट? लेट अस सपोज मेरे एरे का नाम ए है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए ऑफ 0, तो 0 आएगा वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा ब्रेसिस के अंदर, ये वाली ब्रेसिस के अंदर, राइट? तो पहला एलिमेंट बन गया ए ऑफ 0, कुछ इस तरीके से, ठीक है? तो जनरली अब एक एग्जांपल की फॉर्म से यहाँ दिखा रहे हैं, क्लास बनाई एरे पब्लिशर वॉइडमैन, उसके अंदर एक एरे बनाया मंथ डेज, अगेन वही एरे मंथ अंडरस्कोर डेज, और मंथ अंडरस्कोर डेज इक्वल टू न्यू इन 12 कर दिया, राइट? तो वैल्यूज देनी स्टार्ट करी, 0 को दी 31, 1 को दी 28, 2 को दी 31 एंड सो ऑन टू कंटिन्यू। फ्रॉम यू गाइस एनीवन, यहां पर एरे का साइज कितना बना है, 12। अब मेरे को आप लोगों में से कोई बताए कि यहाँ पर हम कितनी वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे एरे को, जहां पे जैसे डिफाइन कर रहे हैं, जैसे सर ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, सो ऑन टू, नीचे वाला पेज हमें नहीं दिख रहा, तो नीचे वाले पेज में अगर मैं जाए तो कहाँ तक होगी, इलेवन 11, तक जाएगा ना, सर माइनस 11, वन 11 क्यों, 12 क्यों नहीं, सर सर जीरो से माइनस इंडेक्स स्टार्ट हुआ है। वन हमारा यस सबसे यस इंडेक्स यस, होता है। सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, 11 तक जाएगा, 12 तक क्यों नहीं जाएगा, बिकॉज शुरू किससे हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है, तो 0 से शुरू हो रहा है, सो ऑन टू यहाँ से 11 तक आ गया, राइट? तो ये एक सिंपल वे है एरे को वैल्यूज प्रोवाइड करने का, मतलब ये प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम है ये मंथ ऑफ डेज दे रहे हैं, पहले महीने में जनवरी में कितने डेज हैं, 31 है, दूसरे में कितने हैं, 28 है, तीसरे में कितने हैं, 31 है, चौथे में कितने हैं, 30 है एंड सो ऑन टू, कुछ इस तरीके से एरे के जो मंथ्स जो हैं वो वैल्यू साइन की जा रही है एरे। तो ये पहली एग्जांपल हुई, हमने देखा ये, बट ये वे सबसे खराब वे है, कुछ इस तरीके से वैल्यू हम असाइन नहीं करते, राइट? तो कौन सा वे है बेटर, इससे अगला वे जो है वो है हमारा लाइक दिस। नाउ अब आप जनरली देखो तो हमारे पास पहली एग्जाम्पल थी वो कितनी बड़ी थी और दूसरी एग्जाम्पल कितनी छोटी होगी, छोटी इन द सेंस ऑफ ये नहीं होगी कि कोड हमने कम कर दिया, हमने क्या किया, अब हम डिफाइन कर रहे हैं एरे को, मींस मैंने लिखा इंट मंथ डेज और सीधा ही इक्वल टू करके सारी वैल्यूज उसके अंदर डिफाइन करता हूँ। अगर मैं ऐसे करूंगा ना तो मेरे को वो न्यू इंट वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? तो ये एरे को मैं क्या कर रहा हूँ, एरे को मैं डिफाइन और इनिशलाइज टुगेदर कर रहा हूँ, इकट्ठे कर रहा हूँ, मीन्स अब एरे डिफाइन भी हो रहा है और साथ में ही इनिशलाइज हो रहा है, राइट? तो ये दूसरा वे हो गया एरे को डिफाइन करने का। तीसरा वे एक और वे है, हम क्या कर सकते हैं, हम एक फॉर लूप के थ्रू यूजर से इनपुट करवा सकते हैं एरे की वैल्यूज, राइट? तो जनरली अब हम एग्जाम्पल करके देखते हैं, बनाकर देखते हैं एरे एग्जैक्टली ऐसे बनता भी है या नहीं। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं मूव कर रहा हूँ इक्लिप्स में। तो Here I am having Eclipse. सभी को Eclipse की आईडी विजिबल है, दिख रहा है कोड? यस सर। ओके, तो मैं जावा प्रोग्राम्स में जा रहा हूँ, ये बंद कर रहा हूँ, राइट क्लिक, न्यू क्लास। तो यहाँ पर मैं क्लास बनाने वाला हूँ, अब क्लास का नाम मैंने दे दिया जस्ट फॉर इजी वे, एरे नाम दे दिया और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन चाहिए, यस फिनिश। तो ये हमारी क्लास है,
ओके तो अगर हमने इक्लिप्स पे अभी काम नहीं किया तो आई हैव एक्सप्लेन यू हाउ टू इंस्टॉल इक्लिप्स, तो आप अभी इंस्टॉल करके इस पे अब स्टार्ट कर सकते हो. नाउ यू आर फैमिलियर विद जावा कोड, राइट. तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अब यहाँ एरे बनाने वाला हूँ. तो एरे का सिंटेक्स क्या था, सबसे पहले डाटा टाइप बताओ. मैंने बता दी डाटा टाइप इंटीजर, ठीक है जी, इंटीजर. और वेरिएबल का नेम, एरे का नेम मैंने बता दिया रोल नंबर. अगर मैं यहाँ पे अब सेमी कॉलन लगा दूंगा तो ये एरे नहीं बना, ये एक वेरिएबल बना जिसके अंदर वैल्यू सेव हुई. एरे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें ये ब्रेसेस डालनी पड़ेगी, स्क्वायर ब्रेसेस बोलते हैं. तो मैंने स्क्वायर ब्रेसेस डाल दी. ओके तो नेक्स्ट लाइन पे मैं क्या करूंगा, लिखूंगा रोल नंबर इक्वल टू न्यू, डाटा टाइप कौन सी थी इंट, और अगेन स्क्वायर ब्रेसेस सेमी कॉलन. और स्क्वायर ब्रेसेस कितना साइज होगा इसका, लेट अस सपोज मैंने डाल दिया 5, ठीक है जी. तो एक्चुअली ये दो स्टेप्स हैं जिन्हें हमें करके एरे को डिफाइन करना. पहले डिफाइन किया, फिर उसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया एरे को, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया. मींस इसे बोलते हैं एरे डेफिनेशन, इसे बोलते हैं एरे, सॉरी ये एक्चुअली डिफाइन नहीं हुआ, ये उसका वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, राइट. तो जनरली मैंने एक एरे को ये दो स्टेप्स में डिफाइन कर दिया. अगर मैं इसको सिंपली सिंगल स्टेप में भी करना चाहूँ तो इसको मैं पीछे लेके जाऊंगा लाइक दिस बैक स्पेस. ओके नाउ अब देखो रोल नंबर वहां पे डिफाइन है, लिखा हुआ है. तो या दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग क्रिएटिंग एन एरे. पहला भी क्या था, पहला भी था दो स्टेप्स में, अब दूसरा भी है. दूसरा भी हमें इंटीजर रोल नंबर ब्रेसेस इक्वल टू न्यू इंटीजर उसका साइज. तो कुछ इस तरीके से मैंने एरे को अंदर मेमोरी में बना दिया. अब मेमोरी में 5 एलिमेंट हैं, रोल नंबर 0, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4. रोल नंबर 5 नहीं एग्जिस्ट करता, राइट. तो मैं यहाँ अब क्या करूंगा, मैं पहले वैल्यू देता हूँ रोल नंबर 0 इक्वल टू 101, रोल नंबर ओके 1 इक्वल टू 102. सिमिलरली कुछ इस तरीके से ही मैंने सारे रोल नंबर डिफाइन कर दिए. ओके 1, 2, 3, 4 एंड लास्ट वाला कुछ नहीं है. ओके तो पहले में 2 थी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी. अब मैंने क्या किया, 5 वैल्यूज प्रोवाइड कर दी. अब मैं क्या करूंगा, मैं जनरली मैंने प्रोवाइड कर ही दी हैं वैल्यूज. अब मैं स्पेसिफिकली अगर मैं प्रिंट करने वाला हूँ, आई विल डू विद लाइक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन. अगर इसमें मैं लिखता हूं लेट अस सपोज रोल नंबर और मेंशन कर देता हूं लाइक 3, तो क्या करेगा वो हमें डिस्प्ले करा देगा कि जो थर्ड एलिमेंट है वो कौन सा है, राइट. तो मैंने इसको प्ले किया, प्ले, तो यू कैन सी इसको प्ले करने पे हमें आउटपुट दिखाई दे रही है 104. ये नीचे आपको दिख रही है, ये है हमारी आउटपुट. तो ये जो थर्ड प्लेस थी, थर्ड प्लेस मीन्स एक्चुअली फोर्थ प्लेस होगी, 0, 1, 2, 3. तो ये 3 जो है यहाँ पे क्या वैल्यू है, 104. इफ यू कैन सी दैट इजीली वो 104 डिस्प्ले हो गया. ये मैंने सबसे पहले ये दूसरी एग्जाम्पल डिस्कस की है जो सबसे पहले यहाँ पर डिफाइन थी. बट ये एग्जाम्पल मैंने आपको साथ में बताया था कि ये वैलिड नहीं है, ठीक नहीं है, राइट. ये एग्जाम्पल हम यूज नहीं करेंगे. अब अगर आपके माइंड में है कि मैं एरे के सारे एलिमेंट प्रिंट करना चाहता हूँ तो क्या करूँ, मैं यहाँ रोल नंबर लिख दूंगा तो सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे, राइट. तो मैंने इसको कंट्रोल एस किया, इसको मैंने प्ले किया, और वी कैन सी मैंने प्ले किया है, सारे एलिमेंट तो बिल्कुल नहीं दिखे पर अजीब सी कोई चीज दिख रही है. तो ये अजीब सी चीज जो दिख रही है ये बेसिकली एड्रेस है. ये क्या आ गया, ये एड्रेस आ गया, स्टार्टिंग पोजिशन का एड्रेस आ गया, राइट. तो मींस ये एरे का एड्रेस शो हो गया. फिर मींस मतलब ब्रेसेस लगा दूं तो शायद विजिबल हो जाएगा, नहीं, ब्रेसेस लगाओगे तो साथ में बताना पड़ेगा कौन सा इंडेक्स, राइट. तो अब मुझे अगर सारे एलिमेंट देखने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक फॉर लूप लगानी पड़ेगी. फॉर लूप जो चलेगी लाइक इंटीजर आई फ्रॉम 0 टू आई इज लेस देन 5 आई प्लस प्लस. एक फॉर लूप बनाई मैंने. फॉर लूप के अंदर मैं क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर दूंगा और जिसके अंदर मैं लिख दूंगा एरे ऑफ, एरे का नाम है हमारा रोल नंबर ऑफ आई. अभी
ऐसे लिखने से क्या होगा, सबसे पहले वो रोल नंबर जो है फर्स्ट एलिमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा, फिर सेकंड हो जाएगा, फिर थर्ड हो जाएगा, फिर फोर्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लूप जो है वो जीरो से स्टार्ट हो रही है और फोर तक चल रही है, तो सारे एलिमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। और इसको अगर मैं सेव करके रन करता हूँ तो यू कैन सी अब यहाँ पर हमारी आउटपुट आ चुकी है। इसको मैं ऊपर करके दिखा रहा हूँ, सबसे पहले 101 प्रिंट हुआ, फिर 2 प्रिंट हुआ, फिर 3 प्रिंट हुआ, फिर 4 प्रिंट हुआ, एंड सो ऑन टू 5। तो कुछ इस तरीके से हम एरे को असेस कर सकते हैं, अगर सारे एरे को असेस करना है, राइट। तो ये पहला वे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वे ऑफ जो एरे की डेफिनेशन था डिक्लेयर करने की, उसकी वैल्यू प्रोवाइड करने की, तो वो क्या था? वो था एरे रोल नंबर इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे अब कर्ली ब्रेसेस थे, कर्ली ब्रेसेस स्क्वायर ब्रेसेस, इनका डिफरेंस आप समझो। कर्ली ब्रेसेस होती हैं ये वाली ब्रेसेस जिसमें थोड़ा सा कर्ल पड़ा होता है, और स्क्वायर ब्रेसेस होती हैं ये वाली ब्रेसेस जो बिल्कुल स्क्वायर की फॉर्म में होती है। यहाँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो जो वैल्यूज डालूंगा वो एग्जैक्टली उसके अंदर आती रहेंगी। तो यहाँ पर मैं अब वैल्यूज डाल रहा हूँ 101, 102, 103, 104, 105, ठीक है जी। मैंने 5 तक एलिमेंट दे दिया, और लास्ट में मेरे को क्या लगाना है? सेमी कॉलन। सेव करके यहाँ प्ले करूंगा अगर, तो दिस प्रोग्राम विल अगेन कंटेन सेम वैल्यू, सेम ही उसका आंसर आएगा। आप देख सकते हो यहाँ 101, 2, 3, 4, 5 सेम आंसर दिख रहा है। बाय चांस अगर मैंने इसके अंदर 4 एलिमेंट डाल दी, राइट, और प्रिंट में कितने करा रहा हूँ? 5 एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। अब मतलब यहाँ पर वैल्यू है 0, 1, 2, 3, 3, मतलब एक 4 वाला एलिमेंट है जो रोल नंबर 4 है नहीं, बट मैं उसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ इस लूप के अकॉर्डिंग। अगर मैं प्ले करता हूँ यहाँ पे, तो यू विल सी पहले सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे, और लास्ट में वो मुझे एक रेड कलर की वार्निंग दे रहा है जिसमें लिखा है एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन java.lang.arrayindexOutOfBoundException। तो ये एक बहुत बड़ी एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन लगी हुई है जिसमें वो मेंशन कर रहा है कि जो जो इंडेक्स है, इंडेक्स नंबर 4 है, वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड हो चुका है। आउट ऑफ बॉन्ड मीन्स वो जिसका उसका बॉन्ड था, जितना उसका साइज था, उसके बाहर हम जाने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह का कोई कंपाइलेशन एरर नहीं, एक्सेप्शन दिखा रहा है। एक्सेप्शन क्या होती है? जब प्रोग्राम चलने के बाद कोई हमें प्रॉब्लम दिखाई जाती है या कोई एरर शो किया जाता है रन टाइम पे, तो उसे एक्सेप्शन का नाम दे दिया जाता है, राइट। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन ठीक कैसे होगी? एनीबडी, ये जो दिक्कत आ रही है ये ठीक कैसे होगी क्लास? सर वैल्यू देनी पड़ेगी, एक वैल्यू देनी पड़ेगी। ओके, अगर मैं वैल्यू नहीं देना चाहता, 4 ही वैल्यू देना चाहता हूं, तो सर नीचे 4 करना पड़ेगा, यहां 5 की जगह 4 कर दो। 4 कर देंगे, प्ले करेंगे, कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी और चारों एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। ये कुछ डिफिकल्ट नहीं है, हमने पहले भी एरे पढ़ा हुआ है, हम दोबारा एरे को पढ़ रहे हैं, पहले हमने सी में पढ़ा था, अब हम जावा में पढ़ रहे हैं। बाकी इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, रेस्ट यूज ये साइमल्टेनियसली वैसे ही हो रहा है जैसे सी में होता था, राइट। अब अगर मैं बात करूं करेक्टर ऑफ एरे की, तो वही करेक्टर ऑफ एरे बनाएंगे तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर सेव कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी एक एग्जाम्पल है एरे की, आई होप आप सभी को समझ आ गई होगी। अगर किसी को इस एग्जाम्पल में या कुछ चीज नहीं समझ आई, कोई दोबारा समझना चाहते हो या कुछ पूछना चाहते हो, यू कैन आस्क मी, आई कैन एक्सप्लेन यू अगेन। ओके, तो जैसे ये अब इंटीजर का एरे बना, अब यहाँ पर बना रहे हैं क्लास एवरेज, यहाँ पर डबल यूज कर रहे हैं। ओके, तो डबल की हेल्प से भी एरर बन रहा, एरे बन रहा है 10.1, 11.2, so on to, राइट। अब मल्टी डायमेंशन एरे क्या होता है? मल्टी डायमेंशन एरे होता है कि जब हम एक से ज्यादा डायमेंशन यूज करते हैं। यूजुअली मल्टी डायमेंशन एरे जो है वो मैट्रिसेस के लिए यूज किया जाता है। हमने लास्ट टाइम मैट्रिसेस की एडिशन सब्ट्रैक्शन की थी सी में, और फाइनल पेपर में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला था। तो अब ये 2D एरे कैसे बनेगा? तो मल्टी डायमेंशन एरे के अंदर 2D एरे बनाया जा रहा है, जिसके अंदर आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे डिफाइन किया है इंट 2D, एरे का नाम दे दिया 2, D कैपिटल कर दिया, और 2 ब्रेसेस लग गई और इक्वल टू न्यू इंट करके 4, 5 बता दिया। अब ये 4 क्या है? 4 आर रोज, एंड ये 5 क्या है? 5 आर कॉलम। तो रोज और कॉलम की हेल्प से ये 2 डायमेंशनल एरे बनता है। तो यूजुअली ये मैट्रिसेस के लिए ही बनाया जाता है,
तो यहाँ पर उसकी एग्जाम्पल है, अब सेम एग्जाम्पल है, क्लास बनाएगी है टू डू एरे, पब्लिश एरे वॉइड मेन बताया, उसके अंदर एक इंटीजर टू डी एरे बनाया, 4-5 वैल्यू दे दी है, दो फॉर लूप बनाकर उसकी वैल्यूज को इनिशियलाइज कर रहे हैं एंड सो ऑन टू गो प्रिंट। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। और यहाँ भी शायद एडिशन, एक सेकेंड, यहाँ पर अब क्या कर रहा था, प्रोग्राम जनरेट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये वैल्यूज अलग अलग डिफाइन हो रही है, राइट। तो सिंपल सा एग्जांपल है। अब यहाँ पर भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो तरह के या मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरे बना सकते हैं, राइट। तो आप लोगों ने ट्राई करना है ये एग्जांपल खुद से बनाने की, 2D एरे को बनाओ और दो एरेज बनाने के बाद, इनपुट करने के बाद, यहाँ पर जनरली अगर इसकी एग्जांपल देखें तो यहाँ पर ये जो चीज़ें कर रहे हैं हम, ये ना करके हम क्या करें, हम एक एरे बनाएं 2x2 का, उसको वैल्यूज दें, फिर एक और एरे बनाएं 2x2 का, उसको वैल्यूज दें, और बाद में उन दोनों एरे को प्लस करके आंसर शो करें। ट्राई टू मेक दिस प्रोग्राम, नहीं बनेगा तो कल सबसे पहले हम ये प्रोग्राम बनाएंगे, फिर हम आगे चलेंगे, राइट। तो वो और डिटेल में बता रहा है, जैसे हमने डिस्कस किया था एरेज के बारे में, टू डायमेंशनल एरे के बारे में, राइट। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने ये दो प्रोग्राम पर ट्राई करने हैं और ये प्रैक्टिकल में भी लिखने हैं, राइट। प्रैक्टिकल में एरे का, हमने टू डायमेंशन एरे में एडिशन परफॉर्म करने का प्रोग्राम लिखना है। तो ये प्रोग्राम एक बार आप ट्राई करो, उसके बाद अगर आपको नहीं कल क्लियर होगा तो कल सबसे पहले मैं आपको ये प्रोग्राम बनाकर दिखाऊंगा, फिर हम आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, राइट। तो एरे का इतना ही टॉपिक था हमारे लिए, बाकी ये हमारे पास पैटर्न्स होते हैं और ये पैटर्न्स को भी आप इजीली बना सकते हो, राइट। तो एरे में ये सारी चीजें हमने एक बार डिस्कस की हैं, जावा में ये सारी चीजें कैसे कर सकते हैं, राइट। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये चीज क्लियर होगी होगी। इफ एनीबडी स्टिल हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी तो आप डिस्कस करो, आई कैन एक्सप्लेन यू दैट। यस क्लास सर। जी बेटा बोलो। सर जो सर फर्स्ट असाइनमेंट है उसके दो ही क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट असाइनमेंट में मैंने आपको क्लास बताया था सर। यस सर, टू क्वेश्चंस ही हैं, क्लास और एक प्रोग्राम का। ओके, तो उसमें बेटा और क्वेश्चंस भी ऐड करने हैं, आई विल लेट यू नो।